ओकर बाद में पूछिए कि तुम किससे सेटिंग करवाया, ओकर बाद में छोड़ दीजिए बच्चा लोग को, आप क्या करेगा, व्यवस्था वही कर दिए थे तो जी। उसके बाद आपको मगरमच्छ मिलेगा और उसके बाद झोंझरियन को छोड़िए और मगरमच्छ को ले जाइए पकड़ करके, लेकिन एक दिन का करवाइए, आप दिन भर का रख देते हैं इसी के लिए गड़बड़ है। पीटी मेंस करवाइए, 2 घंटा का PT 2 घंटा का मेंस और सब करवा करके ये परीक्षा लीजिए, और नहीं आता है तो हमको बैठाइए, हम परीक्षा कंडक्ट करा देंगे बहुत बेहतर ढंग से, कोई क्वेश्चन आउट नहीं होगा और आपको बता रहे हैं ना कोई उंगली उठाई। ठीक, अभी ईमानदार अधिकारी पर हम उंगली नहीं उठाएंगे जी। लेकिन ये जो है सो पकड़ा जा रहा और पता नहीं कखने भाग जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। और चूंकि SIT पे हम लोग का इसलिए भरोसा नहीं है कि SIT कमेटी में जो भी अधिकारी रहते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट खुद गलती कर रही है और अपने ही अधिकारियों से वो जांच करा रही है, तो ये तो दूध का रखवाला बिल्ली से करे और हम भरोसा करें कि मेरा दूध सुरक्षित होगा वैसे ही होगा, ये लिपापोती किया जा रहा। हम बिल्कुल SIT से हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी तक चेयरमैन जो है कि इस्तीफा तक नहीं दिया, तो चेयरमैन इस्तीफा भी देना होगा उसको, और साथ ही साथ पूरे मसले का CBI जांच करना होगा, और जो भी एजेंसी था उसको ब्लैकलिस्टेड करते हुए तत्काल नए एजेंसी का टेंडर करके सभी छात्रों का परीक्षा किया जाए, और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं की जाएगी फिर हम लोग रणनीति तैयार है, फिर अगला रणनीति था तब तो आंदोलन करेंगे। जहां हम डरते क्योंकि जो घटना घटा CGL पर कि इतना बड़ा बड़ा धारा और धमकी और साथ ही हमारे एक साथी को हत्या की आशंका, और इतना बड़ा घटना के बावजूद हम अगर शमशान घाट से हम आकर के अपने कमिटमेंट के अनुसार खड़ा है, मतलब कि इससे बुरा वक्त मेरे जीवन में और शायद कभी नहीं आएगा। जब हम मनोज यादव वो डरे वास्ते यहाँ है जी, अगर पहले हम जल जा चुके हैं, हम पारा टीचर में जेल जा चुके हैं, JPSC में जो धांधली हुआ था उसके खिलाफ जा चुके हैं, ये हमारा डर आ रहा है थोड़ा केस कर देंगे जेल जाएंगे, जेल कौन जाता। हम डरते क्योंकि जो घटना घटा CGL पर कि इतना बड़ा बड़ा धारा और धमकी और साथ ही हमारे एक साथी को हत्या की आशंका, और इतना बड़ा घटना के बावजूद हम अगर शमशान घाट से हम आकर के अपने कमिटमेंट के अनुसार खड़ा है, मतलब कि इससे बुरा वक्त मेरे जीवन में और शायद कभी नहीं आएगा। ठीक है, जब धमकी देने की बात की तो कौन धमकी दे रहे हैं आप? ये तो प्रशासन इसको पुष्टि करना चाहिए, क्योंकि हमने आप लोग का चैनल के माध्यम से कई बार बता चुका है, फिर पुनः बता रहे हैं, 31 तारीख को हम लोग आंदोलन किए थे, आंदोलन के बाद ही परिणाम आया, परीक्षा रद्द का JSSC का ऑफिशियल वेबसाइट में आधिकारिक नोटिस जारी करते हुए एग्जाम को रद्द कर दिया गया। तभी देखिए करोड़ों आदमी का जो नुकसान कर रहा है, तो कहीं ना कहीं तो किसी न किसी का आपका जो है कि बड़ा झटका लगा, तो जिसका झटका लगा होगा वही धमकी देने वाले होंगे, और कौन हो सकता है। बाकी लोग को क्या मतलब है हम लोग से, जो गलत कर रहे हैं जिसके गलत के खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं वही लोग तो आखिर ये सब कर रहे होंगे। ठीक है, इस पूरे प्रकरण को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले की जाँच SIT के बजाय CBI से होनी चाहिए, आप इसके पक्षधर हैं क्या? नहीं, हम लोग शुरू से मांग करते आए जी, और हम लोग इससे पूर्व 4 नवंबर को राजभवन घेराव के दौरान भी कहा था, 2002 में जो है कि हम लोग JEE के मामलों पर CBI जांच को लेकर के लगातार आंदोलन किया था। हम लोग हर बार CBI की मांग हम लोग जोर शोर से करते आ रहे हैं, और चूंकि SIT पे हम लोग का इसलिए भरोसा नहीं है कि SIT कमेटी में जो भी अधिकारी रहते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट खुद गलती कर रही है और अपने ही अधिकारियों से वो जाँच करा रही है, तो ये तो दूध का रखवाला बिल्ली से करें और हम भरोसा करें कि मेरा दूध सुरक्षित होगा वैसे ही होगा, ये लिपापोती किया जा रहा। हम बिल्कुल SIT से हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सरकार इन्वॉल्व है इस महाघोटाला में, बिना सरकार का इन्वॉल्व हुए अगर इतना बड़ा मामला हुआ, और अभी तक आज 10 दिन हो गया, परीक्षा रद्द किया हुआ, पेपर लीक को स्वीकार किया हुआ, लेकिन अभी तक चेयरमैन जो है कि इस्तीफा तक नहीं दिया, तो चेयरमैन इस्तीफा भी देना होगा उसको, और साथ ही साथ पूरे मसले का CBI जांच करना होगा, और जो भी एजेंसी था उसको ब्लैकलिस्टेड करते हुए तत्काल नए एजेंसी का टेंडर करके सभी छात्रों का परीक्षा किया जाए, और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं की जाएगी फिर हम लोग रणनीति तैयार है, फिर अगला रणनीति था तब हम आंदोलन करेंगे। लेकिन ये झारखंड को हम लोग लावारिस होने नहीं देंगे, इस झारखंड को हम लोग कतई बर्बाद होने नहीं देंगे। योगेश, आपके नाम पर भी FIR है, क्या आप भी इसी मकसद से यहाँ पर पहुँचे हुए?
देखिए मकसद में हम एक छात्र हैं और ये छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो के देख रहे हैं पोस्टर में, हम लोग एक मतलब कि गलत नहीं किए, हम लोग आतंकवादी नहीं है, छात्र हैं, सीधे साधे छात्र हैं। और ये सरकार, हम झारखंड में ऐसा पहली बार हो रहा है, बहुत सारे नेता आए और आएंगे भी और चले भी गए, लेकिन ऐसा कोई ऐसा जो है छात्र नेता या फिर नेता नहीं है जो खुलेआम बोल रहा है कि हमको पुलिस हथकड़ी पहन के ले जाए, कोई ऐसा नहीं। लेकिन ये जो है छात्र नेता है जो है देवेंद्र नाथ महतो पोस्टर के साथ बोल रहे हैं कि नहीं हमको अगर हम जुर्म किए हैं, गलती किए हैं, हमको उठा के ले जाए। ठीक है, जो अंगद जी के साथ जो घटना हुई उसके बाद आप लोगों को डर ज़्यादा सता रहा है? डर सताने के नहीं, एक हम लोग पढ़े लिखे नौजवान छात्र हैं और डरना नहीं है, जो संविधान को जो ज्ञाता होता है, जो ज्ञान रहता है वो डरता नहीं है, लड़ता है, जो पढ़ेगा वही दहाड़ेगा। हम लोग दहाड़ने वाले आदमी हैं, डरेंगे नहीं। सरकार पर क्यों नहीं भरोसा है, एसआईटी पर क्यों नहीं भरोसा है? नई सरकार आई है, चंपा जा के नेतृत्व में कामकाज कर रही है, खुद भी वो आदिवासी मूलवासी समाज के हितों के संरक्षण की बात कर रहे हैं, तो भरोसा एक बार क्यों नहीं है एसआईटी? देखिए सरकार पर इसलिए भरोसा नहीं कि हम लोग जो नजात जो छात्र हैं, जो हम लोग पर केस किया गया है जी, सीधे साधे छात्रों पास, ये गलत है। जिस पर जो चोरी और धांधली करवाया, पेपर लीक करवाया, उन लोग पर केस FIR होना चाहिए जी। और हम लोग पर कर दिया गया, अगर पेपर लीक नहीं होता तो हम लोग जैसे ऑफिस नहीं जाते, लेकिन पेपर लीक होने के बावजूद मतलब हुआ तभी हम लोग गए जस्टिस को। तो हम लोग इसलिए बोल रहे हैं कि हम लोग पर FIR किया गया है, ये 100% गलत है, और जो गलत करवाया है, जो सेटिंग गेटिंग करवाया है, उन लोग पर FIR होना चाहिए और जांच पड़ताल होना चाहिए, ना कि सीधे साधे हम लोग जैसे छात्रों का। क्या लगा वही उन्हीं लोगों ने इस पूरे कार्यक्रम को हाईजेक किया, डिरेल किया, उसका फायदा उठाने को? जी बिल्कुल वैसा मतलब कि किया गया है, बिल्कुल वैसे ही बेचंदों के द्वारा साजिश रचा गया है, क्योंकि जो इर्द गिर्द रहने वाले जो इन्हीं के साथ जो रहते हैं उन्हीं लोग FIR कर दिया गया जी, वही उन्हीं लोगों ने इंगित किया कि जी बिल्कुल बिल्कुल किया है, क्योंकि हम लोग जो है एक ही साथ रहते हैं, एक तरफा केस किया गया है, तो कहीं ना कहीं जयचंदों का ये देन है और जयचंदों के माध्यम से करवाया गया है केस। आप तो समर्थक हैं इन लोगों के, आप बताइए आपको क्या लगता है वाकई में इन लोगों को फंसाया जा रहा है? बिल्कुल, हमारे साथ में जितने भी हैं छात्र नेता सुनाते और उनके साथ में जितने भी सभी को फंसाया गया है, और कहीं ना कहीं सभी दोस्त हैं जी। और देखिए अभी JSSC का जो बहुत बड़ा जो घोटाला हुआ है, कहीं ना कहीं राजेश हरी बेन का चल ही रहा है अभी तक, तो जितने भी हैं हम लोग सभी निर्दोष हैं, कहीं ना कहीं जान बुझ कर यहाँ के जो कोचिंग माफियाएँ हैं या जो सेटिंग वेटिंग करते हैं तो उन लोगों को पता था, तो इसीलिए हम लोग को सबको केस में फंसाया गया है। ठीक है मनोज जी, क्योंकि आप भी नामजद हैं इस पूरे मामले में और आपकी बात आनी ज़रूरी है और अपने माध्यम से आप बहुत सारी बातें कह चुकी हैं आपने, तो अब सिर्फ ये जानना है कि वाकई में क्या गिरफ्तारी की वजह से आप लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब ये मामला तो कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी में जाएगा? हम मनोज यादव डरे वास्ते यहाँ है जी, अगर पहले हम जा चुके हैं, हम पारा टीचर में जेल जा चुके हैं, JPSC में जो धांधली हुआ था उसके खिलाफ जा चुके हैं, ये हमारा डर आ रहा है तोरा केस कर देंगे, जेल जाएंगे, जेल कौन जाता? अगर यदि हम गलत काम करके जाते तो मनोज यादव डरता? ये पहली दफा है मैं बता रहा हूँ, जो भी आपके दर्शक देख रहे होंगे उनको बताइए, चोर को पकड़ने गया पुलिस और पुलिस से गिरफ्तार हो गया। हम बताने गए कि JSSC में गड़बड़ी है और ये हमरे पर केस कर दिया, ये तो जो चोर है उसको पकड़ना चाहिए, ये उल्टा हम लोगों को डराने धमकाने का कि इस प्रकार से करेंगे लिपापोती हो जाएगा। और EBI CBI जो आपको बता रहे हैं ककरो पर भरोसा नहीं रहे, ये आपको बता रहे हैं CBI JPSC का कर रहा है ना जी, 20 साल हो गया अभी तक हुआ कुछ भी होगा? यहाँ कैसे करेगा जी, यहाँ सब पार्टी वाला मिलल है, सब पार्टी मिला हुआ है, यहाँ भाजपा पे मिलल है और वहाँ सत्ता पक्ष वाला भी मिलल है, कुछ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? सब जगह जब भ्रष्टाचार के खिलाफ में जो होता है तब वहाँ पर कुछ ना कुछ होता है, यहाँ पर किसी को कुछ नहीं होगा, यहाँ पर भी सब साठ गांठ करेगा, जो जो हल्ला करेगा ओकरा जेल भेजेगा और यही मनोज यादव को जेल भेजेगा, ओकर बाद में सब बांट के खाएगा। आपको मैं बता रहा हूँ यही पहले जब नगर निगम में हुआ था हमने हल्ला किया कि नगर निगम में देखिए क्वेश्चन, ये पांच सेंटर को सिर्फ वह इन्होंने वह किया था कैंसिल, और फिर अगर यदि वहीं पर हमारे अध्यक्ष महोदय इस पर कड़ा डिसीजन लेते तो आज इस प्रकार से नंगा नाच नहीं होता जी। ये नंगा नाच हुआ है JSSC में, मैं बता रहा हूँ कि इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं हो सकता, ये चीर हरण है,
ये झारखंड के छात्रों के या विद्वता का चीरहरण है। आप बताइए ये जितना सब कोचिंग संस्थान है उसको बंद करवाइए, कॉलेज जो बंद करवाइए। आप बता रहे 10 साल से पढ़ने जा रहा वोकर पढ़ाई कोई कामे नहीं आ रहा, एक रात पढ़ रहा है उपास कर जा रहा है, तो सब कॉलेज बंद करो। ये चीज जो है पूरी तरह से यार सबसे बड़ी विडंबना की बात है कि झारखंड का परीक्षा और पढ़ाई होता है बिहार और यहाँ पर पश्चिम बंगाल में क्वेश्चन आउट होता है। ये जो है सबसे बढ़िया मैं बताता हूँ, अगर यदि सही में पकड़ना है और निष्पक्ष जांच करना है, जो भी लोग हैं ईमानदारी पर हम शक नहीं करते हैं, अगर सही जांच करना है तो लॉज में साधारण आदमी बन करके चले जाएं। जो भी अधिकारी हैं लॉज में साधारण आदमी बन करके जाएं, वहाँ बचपन अपने बता देगा के सेटिंग किया है, और जो सेटिंग किया उसका पकड़िए, उसके बाद में पूछिए कि तुम किससे सेटिंग करवाया, उसके बाद में छोड़ दीजिए बच्चा लोग को, आप क्या करेगा, व्यवस्था वही कर दिए थे तो जी। उसके बाद आपको मगरमच्छ मिलेगा और उसके बाद झोंझरियन को छोड़िए और मगरमच्छ को ले जाइए पकड़ करके, लेकिन वो तो करिएगा नहीं। मगरमच्छ में लास्ट में जो सब बड़का मगरमच्छ तो सरकार के आदमी है, तो होगा कहाँ से? ये जो बड़का मगरमच्छ वही है, इसीलिए तो बोले थे जो क्वेश्चन आउट करेगा और पकड़ा जाएगा जी उसको 10 करोड़ जुर्माना, 10 साल का जेल। काहे? क्योंकि हम ही तो आउट कर रहे हैं तो पकड़ाएंगे कैसे? इसीलिए कानून बना था, इसमें लिपा पुती करके हम लोगों को फंसा देने का। उनको मालूम था कि नहीं आउट होगा, ये कभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसका सबसे सरगना तो हम ही है। इसलिए पूरी तरह से जो है यहाँ पर आप बताएं, पढ़ने और लिखने वाला लड़का निराश हो चुका है जी। आप तमाम मीडिया के लोगों से आप समझिए ना, आपका भी बेटा होगा, आप कितना दिन दीजिएगा? मैं कल हजारीबाग में था, हजारीबाग में बच्चा जो है 100 बोरिया बिस्तर लेकर के जा रहा था, बोले भैया हमको जनवरी तक मांगे थे, परिवार से पैसा का बात किए थे, अब हमारे पास नहीं है। सरकार देखिए, परीक्षा कैंसिल कराना बहुत बड़ी बात नहीं है, परीक्षा को कंडक्ट कराना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हमारे 10 साल से ये 2016 में ये हुआ है और 2016 से परीक्षा नहीं हुई है, तो ऐसी परिस्थिति में जो है हमारे जो है सो परीक्षा इसको कंडक्ट कराया जाए और मार्च तक में, और वो भी फेयर। हमारा काम है TCS से परीक्षा करवाइए और रिपोर्टेड जगह में आप सेंटर दीजिए और PT मेंस करवाइए, एक दिन का करवाइए। आप दिन भर का रख देते हैं, इसी के लिए गड़बड़ है। PT मेंस करवाइए, 2 घंटा का PT, 2 घंटा का मेंस, और सब करवा करके ये परीक्षा लीजिए। ये चूंकि आपको बता रहा है रीजनल आधार पर नहीं, सचिवालय का नौकरी है जी, जो आपको करना है आप जोनल वाइज करें या जैसे करें, और नहीं आता है तो हमको बैठाइए, हम परीक्षा कंडक्ट करा देंगे बहुत बेहतर ढंग से, कोई क्वेश्चन आउट नहीं होगा और आपको बता रहे हैं ना कोई उंगली उठाएगा। ठीक, अभी जो SIT जांच कर रही है, करीबन 13 लोगों को हिरासत में लिया है, लगातार छापेमारी हो रही है चेन्नई से पटना तक, क्या उस पर भरोसा नहीं है SIT? नहीं, देखिए अब हमको हम किसी भी ईमानदार अधिकारी पर हम उंगली नहीं उठाएंगे जी, लेकिन ये जो है सब पकड़ा जा रहा और पता नहीं कखने भाग जाएगा, ये नहीं होना चाहिए, इस पर एक्शन होना चाहिए। हमारा कहना ये है हम किसी भी अधिकारी पर जो है, और बता रहे हैं ये इतना बड़ा मामला हो चुका, चूंकि ये 10 लाख 20 लाख लड़कों के छात्रों का मामला, सिर्फ 6.5 लाख CGL का बात नहीं है, आप 1 लाख 1.5 लाख जो है सो नगर निगम का बात है, 1 लाख 1.5 लाख PGT का बात है, ये आपको बता रहे हैं, 10,000 से 20,000 ITI का बात है, उसके बाद जो है आपको मैं बता रहा हूँ लगभग 65,000 JEE का बात है। ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये सब सारे चीज़ों को हम यही कहेंगे कि लोगों को ये चीज़ करना चाहिए था कि ये लड़का 10 लाख 20 लाख जो है ये लड़कों का भविष्य बर्बाद नहीं किया जाए, बेहतर ढंग से परीक्षा लिया जाए। सबके बच्चों का अरमान है, माँ बाप का सपना कि मेरा बच्चा पढ़ लिख करके नौकरी करे। अरे दादा, इस वक्त खूब राजनीति हो रही है, JMM ने साफ कह दिया है कि हम CBI जांच की रिकमेंडेशन नहीं करेंगे क्योंकि SIT जांच हो गई, जांच कर रही है। BJP कह रही है कि राज्य स्तरीय जो जांच उस पर भरोसा नहीं है। अब सवाल ये है कि जांच तो हो रही है लेकिन इस पर आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, क्या इस पर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश? देखिए दोनों अपन अपन फराम है, ये सब बिलार है, हो ये बिलार है, ये बताते हैं ना ये लोग, जैसे बिलार जो है गाय भैंस नहीं चराता जी, लेकिन दूधे पीता है, कहे महत्व जाता है भैंस चराने, महत्वा जाती है घास काटने, तब तक बिलारवा मलैये मार लेता है, यही बिलार है ये लोग। हम लोग उजागर किए,
हम लोग छात्रों ने उजागर किया इस सब चीज का, और ये जो बिलार लोग एक बोलता है सीबीआई होना चाहिए तो एक बार गया सटी होना चाहिए, आप लोग क्या कर रहे थे? आप विपक्ष हैं, क्या कर रहे थे? ये चीज तो उजागर करना आपका काम था, आपको जो है उजागर करना चाहिए था, और ये चीज हम उजागर कर दिए हैं तो पर भी आप धरना प्रदर्शन किए, और ये जो एसआईटी का जांच किए, आप एसआईटी का जांच आपको जो पता चल गया था एक्शन क्यों नहीं लिए? सरकार के लोग एक्शन क्यों नहीं लिए? आप सबसे पहले बुलाते जैसे अध्यक्ष पहुंचो, कार्मिक विभाग पहुंचो, इतना बड़ा मामला हो गया, बच्चों का भविष्य कल ये नस्ल खराब कर देगा जी, कोई पढ़ना नहीं जाएगा आपको, सीधा गांव में कहा बोलता है अरे पढ़ने से की बताओ रे, ओकर बेट में तो 10 लाख दे के कर ललकै रे, ये चीज को कहेगा तो क्या आपका बेटा पढ़ना चाहेगा? बिल्कुल नहीं, ये भविष्य का आप नहीं समझ रहे हैं, आप भी पत्रकार हैं, कितना कमा लेते होंगे, आप लोग भी 20,000-50,000 आप ड्यूटी करते होंगे, लेकिन आप बताइए जिस दिन 25 लाख और 50 लाख आपको बेटे के नौकरी के लिए देना पड़ेगा क्या आप दे पाएंगे जी? इसलिए मैं तमाम लोगों से यही कह रहा हूँ, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ईमानदारी पूर्वक होना चाहिए, और लड़कों को न्याय मिलना चाहिए। अच्छा एक सवाल, उस दिन जो आंदोलन हुआ क्या वाकई में कुछ लोगों ने हाईजेक या डिरेल करने की कोशिश की, फायदा उठाने की कोशिश की? देखिए वो आप जानते हैं कि जहाँ भी वह आंदोलन होता है जी, तो 2-4-5 गो तो सियार झुकबे करेगा, समझे ना, ये चीज को तो मानवे करिए। और सबसे बड़ी बात वो भी हो सकता है कि जो भी वहाँ पर हम लोगों पर आरोप लगा, हो सकता है कि उन लोगों का कारनामा हो जी, जो आप बहुत बता रहे हैं कि हम लोगों को बदनाम करने के लिए दूसरे पार्टी के लोग या दूसरे ऐसे लोग हो उपद्रवी जो ढूंक करके किसी प्रकार से मनोज यादव को बदनाम करो, इसको करो, उसको करो। अच्छा आपको लगता है कि आप लोग तमाम पत्रकार भाई, हम सफाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ कि मनोज यादव कहीं से लगता है कि ये पत्थर चलाने वाला हो? आपको लगता है कि हम भी जेपीएससी के इंटरव्यू से छटे हैं? अगर मैं भी अधिकारी होता तो हमको मालूम नहीं कि अधिकारी से कैसे पेश आना चाहिए। अभी बोलता है ये सब लोग वा केस वा हम लोगों पर कर दिया, हम लोग पत्थर, अरे पत्थर चलाएंगे हम लोग, पढ़े लिखे हैं जी, हम लोग कलम चलाते हैं, पत्थर नहीं चलाते हैं। ठीक है, उस दिन जो जिस तरह की भाषा तमाम छात्रों ने कही, लेकिन उस दौरान कई कोचिंग संचालक थे, उन लोगों की तरफ से कोई बातें नहीं कही गई, वो लोग पीछे थे कहीं ना कहीं, आप लोगों को आगे किया या आप लोग खुद से ही आगे हुए, ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस तरह से मिसयूज हुआ है? देखिए हम लोग आगे हुए नहीं, हम लोग छात्र नेता, हम लोग आगे रहेंगे, जब ये चीज में किसी को ये करना नहीं है, छात्र नेता है, छात्रों के साथ अन्याय होगा, हम लोग आगे रहेंगे, कुकुर लोग पीछे से रहेगा तो रहेगा, नहीं अगर यदि बदनाम करना भूकेगा भूकेगा, हम लोग अपनी आवाज को उठाएंगे, उसको निगेटिव में वो लोग लेते हैं या पॉजिटिव में। अरे उन सारे अभी बताइए सारे कोचिंग संस्थान जो भी आप जो बोल रहे हैं नाम, मैं तमाम शिक्षकों का आदर करता हूँ, उनको ये कहना चाहते हैं कि आप पढ़ाते हैं, आपकी बदनामी नहीं होगी जब अगर यदि बगलिंग से हो जाएगा नौकरी तो इसको आप बड़का बड़का जो किताब लगे, कोई अग्नेस्त्र, कोई ब्रह्मास्त्र, कोई शस्त्रार्थ, तो बोलिए एक बार पढ़ो पटक पास हो जाओ, एक बार में जो आएगा वह लिख रहे हैं, इस प्रकार से आप इमोशनल ब्लैकमेल करके ये करते हैं, और आपका प्रश्न लड़ने के बजाय एक रात जो पढ़ेगा उसका प्रश्न लड़ जाएगा, तो आपको बदनामी है कि नहीं? जी जी। तो इसलिए भ्रष्टाचार मुक्त करने में आपको भी हम मेरा साथ देना चाहिए, न कि मेरा पैर खींचना चाहिए। ठीक है, अब आगे क्या है? जो नामजद हैं, आपको लगता है कि अनकरीब गिरफ्तारी होगी, पूछताछ होगी, आप लोग कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं? हम तो चाहते हैं जी कि हमारी गिरफ्तारी के बाद जी अगर यदि बोले कि बिरसा मुंडा जी ने अपना जान न्यौछावर कर दिया जी, इसके लिए सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट मिला हम लोगों को, वो नहीं रहते तो झारखंड नहीं बचता। अगर मेरे कुर्बानी से जी अगर इसका सही चोर जो है मगरमच्छ है अगर यदि पकड़ा जाता है तो हमको जेल भेज दीजिए, हमारी जांच भी कर लीजिए जी, और हमसे भी जांच करवाइए, सब चीज से जांच करवाइए साथ ही साथ, लेकिन जो हमारे जेल भेजने के बाद वो लोग जो है फिर चोरकट लोग फिर बाहर निकलेगा तो ये गलत बात है। आप तमाम लोगों से यही कहेंगे परीक्षा जल्द कंडक्ट हो और फिर परीक्षा हो ताकि हमारे छात्रों का भविष्य बर्बाद नहीं हो।